नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदनमोहन सती। आज हमारे साथ तराई के दिग्गज नेता, वरिष्ठ बीजेपी के विधायक राजेश शुक्ला जी हैं। इस क्षेत्र में इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम रहा। कहते हैं कि तराई में गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ उन्होंने तराई को बसाने में बहुत बड़ा उनका योगदान था, लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले राजेश शुक्ला जी से पूछेंगे कि भाई अब चुनावी वक्त आने वाला है और तमाम विधायक से लेकर मंत्री तक अब दौड़ भाग करने लगे हैं, और जबकि ये एकदम से शांत बैठे हैं और इनके घर पे लोगों का मिलना जुलना जारी है, कोई तनाव इनके चेहरे पर नज़र नहीं आता है। ऐसा कैसे संभव हो रहा है, इन्हीं से पूछते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। शुक्ला जी, आप तराई के उन नेताओं में हैं, या ये कहें कि बीजेपी के उन नेताओं में हैं, या प्रदेश के उन नेताओं में हैं जिसने मुख्यमंत्री को सिटिंग सीएम को हरा दिया। जी, तो इसको अच्छा लगता है सुनकर कि बहुत आपका ये जो वो था, आप तराई के लोगों के बीच में आपकी बड़ी पहुंच है और लोगों में आपका बहुत सम्मान है। देखिए, ये बात सच है कि संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी जीत का आनंद भी उतना ही बड़ा होता है, परंतु उतनी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। जी, कि अगर हम किसी बड़े नाम को हराते हैं और हम जीतते हैं तो फिर जनता की अपेक्षा हमसे बहुत बड़ी हो जाती है। जी, तो वो एक कांटों वाला ताज होता है। जी, क्योंकि जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से आपको ख्याति मिलती है, जितनी तेज़ी से आपसे लोग उम्मीदें जगती हैं, अगर आप उन उम्मीदों को पूरा ना कर पाओ तो उतनी जल्दी फिर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, नाराज़गी भी होती है। जी, मुझे इस बात का एहसास था और इसीलिए जीतने के दिन से ही मैं काम में लग गया। जी, अच्छा, हम आपके क्षेत्र में जो दो तीन दिन से घूम रहे हैं तो हमने देखा कि लोगों में आपके प्रति बड़ा एक क्रेज़ है और रिस्पेक्ट है। लोग कहते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं। जी जी जी, तो कैसे संभव हो जाता है? अब 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ 18-19 घंटे तो काम करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि शुरू से आदत है। क्योंकि शुरुआत में मैं कैसे दल में था, जिस दल का यहाँ कोई आधार नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं थे, कोई संगठन नहीं था, बूथ पर वर्कर नहीं थे, और उन परिस्थितियों में अपने दम पर लड़ के संघर्ष करके जनता की सूझ उठा करके मैंने उस समय के मिनिस्टर के सामने नंबर 2 पोजीशन पर थोड़े से वोटों से हार हुई थी। तब से फिर मेरा लगातार संघर्ष रहा। भाजपा ने मुझे अवसर दिया और धीरे धीरे मेरा जनता में विश्वास बढ़ता गया, और आज जब मैंने मुख्यमंत्री को हराया, उसके बाद जब मैं मिनिस्टर नहीं बन पाया, उसके बावजूद जैसे मैंने 20 साल से लटके हुए मेडिकल कॉलेज का काम पूरा कराया है, भारत सरकार से मैं 350 करोड़ रुपये लाने में सफल रहा, जो मेरे पूज्य पिताजी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था, तो वो आज रुद्रपुर में बन रहा है, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं है। किच्छा में मैं मॉडल डिग्री कॉलेज लेकर आया हूँ। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मैं 1,000 एकड़ ज़मीन मंजूर करा कर लाया हूँ। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 1,000 एकड़ बनना था, जो जा रहा था हमारे यहाँ से, उसको मैं यहाँ रोकने में सफल रहा और उसके पैसे मंजूर कराने में सफल रहा। आज 2400 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिए हैं। पूरे राज्य को 9 नगर पालिकाएँ मिली, जिसमें से 3 मेरे किच्छा विधानसभा को मिली हैं, लालपुर, सरौली कला और पंथनगर। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, 70 करोड़ का पुल लेकर आए गोला नदी पर, जो जोड़ेगा हमारे दर्जनों गाँवों को। इसके अलावा किच्छा शहर से एक नदी नहर, जो लेफ्ट पार नहर, जो गंदगी का साम्राज्य थी, शहर के लिए एक बहुत दिक्कत थी, मैं सफल हुआ मुख्यमंत्री से घोषणा कराने में। आज उस पर 30 करोड़ की लागत से सड़क बन रही है, 50 फुट नीचे नहर बहेगी ऊपर सड़क। तो इस तरह से बुनियादी काम करने का काम मैंने किया, स्कूलों का उच्चीकरण कराया, भवन बनवाए, और जो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के काम हैं सारे मैंने क्षेत्र में पूरे किए। तो उससे लोगों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया, और मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी सफलता पाने के बाद ही मेरे पांव धरती पर रहे, मैं हवा में नहीं उड़ा। मैं आज भी विनम्रता के साथ लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और अगर मैं जनता की उम्मीदें थी कि मुझे कोई बड़ा प्रोफाइल मिलेगा, नहीं मिल पाया, तो मुझसे निराश भी नहीं हुआ। मैं निरंतर अपने काम में लगा रहा और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीता है। मैं कह सकता हूँ कुछ पूर्वजों का आशीर्वाद है, कुछ आप सबका स्नेह है, कुछ मेरा प्रयास है, सबसे मिलजुल करके कैसे धारणा बनी है, इसको मैं प्रभु की कृपा मानता हूँ। अच्छा शुक्ला जी, एक बात मंत्री पद की बार बार आपके मुंह से भी निकली है, ये बात उन दिनों में कही जा रही थी कि शुक्ला जी नंबर 2 पोजीशन में या नंबर 3 पोजीशन के बड़े मंत्री होंगे, और ये बात जब 9 मंत्री बने और उसके बाद से जब भी मंत्री पद विस्तार की बात आती है तो आपका नाम बार बार आता है, फिर ये क्या सत्ता संतुलन की वजह से ये रह जाता है या कोई और वजह है जो ये नहीं हो पाया? अब देखिए, वजह तो फिर बड़े लोग बता पाएंगे, हाईकमान बता पाएंगे, और वो लोग बता पाएंगे जो लोग इस नीति निर्धारण में रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जनता को उम्मीद जरूर थी कि चूँकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ जिनका तराई बसाने में योगदान रहा, प्लस मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने वहाँ से एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन और पीजी किया, तो उस नाते
लोगों को लगता था कि राजेश शुक्ला मुख्यमंत्री को हरा के जा रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार से है, तो इसका भी कुछ कृषि के क्षेत्र में शायद उपयोग हो जी। लेकिन मैं इसको कोई दोष के रूप में नहीं लेता। हो सकता है कि क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्योंकि कुछ बहुत से अचानक कुछ अतिथि भी आ गए थे दूसरे दलों से हमारे यहाँ, तो उनके उनका भी सम्मान होना था। तो कई बार घर में भी ऐसा होता है कि जैसे मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं तो घर के लोगों को नीचे सोना पड़ता है ज़मीन पे, और मेहमानों को पलंग देना पड़ता है, तो कोई इसमें कोई बुरी बात मानने की बात नहीं। अच्छा शुक्ला जी, आपने कहा कि घर के लोग पलंग के नीचे भी सोते हैं, या आपके बारे में भी कहा जाता है कि जो कार्यकर्ताओं के घर में आप जाते हैं तो आप कहीं जहाँ पर भी व्यवस्था होती है वहाँ पर लेट जाते हैं। जी, मेरा बड़ा मेरे कार्यकर्ताओं से मेरा नेता और जनता का संवाद नहीं है, ना संबंध है। वो पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, शुरू से मुझे अपने घर का मानते हैं। इवन एक मजदूर भाई की झोपड़ी में भी जाऊँ तो वहाँ बड़े आग्रह से उनकी पत्नी, जो हमारी बहन है, वो हमसे कह देती है कि भैया खाना खा लो, तो मैं उन्हीं के तवे से रोटी उठा खा लेता हूँ या उनके साथ बैठ जाता हूँ। अब वो चूँकि एक संस्कार पूर्वजों से, पिताजी से सबसे मिले थे कि भारत माता की सेवा करनी है, सभी सगे भाई बहन हैं, गरीबी अमीरी तो एक परिस्थितियाँ होती हैं, कब कौन कहाँ क्या हो जाए। और चूँकि राष्ट्रवाद की भावना शुरू से परिवार में थी, तो पिताजी महात्मा गांधी से जुड़े थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था, ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट कांग्रेस के। एक ज़माना था कि उनके साथ नरेंद्र तिवारी जी ऑफिस सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो वो जो संस्कार मुझे मिले उससे हम लोग अपने को जाति, धर्म, क्षेत्र, इन चीज़ों में नहीं बांटते। मैं तो साफ करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के लोग थोड़ा भाजपा को कम पसंद करते हैं, नहीं देते हैं वोट, कम देते हैं। उसके बावजूद आप मेरे क्षेत्र में चलकर देखें, मैंने मुस्लिम क्षेत्र में भी विकास के उतने ही काम किए हैं और उनके सुख दुख में उतना ही साथी हूँ, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन वोट देता है कौन नहीं देता। अच्छा शुक्ला जी, एक बात, मैं कई कांग्रेसियों से मिला, विरोधियों से मिला, इवन बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि राजेश शुक्ला जी को उनके पिताजी के नाम का भी फ़ायदा मिलता है। देखिए, ये बात तो सच है कि पिता के नाम का फ़ायदा हर पुत्र को मिलता है, लेकिन मेरा एक दुर्भाग्य भी था कि मेरे पिता का बहुत बहुत छोटी उम्र में, बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, और उस समय मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, और आज उनको मरे हुए 42 साल हो गए, और उनके मरने के लगभग मैं समझता हूँ कि 20-25 साल बाद मैं राजनीति में आया। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि उनसे संस्कार मिले, उनका एक बड़ा नाम था, इससे लोगों ने मुझे सम्मान भी दिया और मुझे स्थान भी दिया। लेकिन ये भी सच है कि आप किसी के नाम पर एक बार जनता में जा सकते हैं, बाद में फिर अपने को आपको प्रूव करना पड़ता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फिर मैंने अपने आचरण से, अपने काम से, अपने संघर्ष से, अपने डेडिकेशन से मैंने अपने को प्रूव करने की कोशिश भी की है। अच्छा, हरीश रावत जी ने भी आपके पिताजी के नाम का उपयोग करना चाहा, जी, लोग जी, कहते हैं इनडायरेक्टली उन्होंने किसी इंटर कॉलेज का नाम बदल, मेडिकल कॉलेज का नाम, मेडिकल कॉलेज का नाम, जी। तो उन्होंने भी कहा कि भाई वो कांग्रेसी। देखिए, मैं इसमें स्पष्ट कर दूँ, कुछ लोग उसको पता नहीं किस नज़र से देखते हैं। अभी एक आध लोगों ने आरोप भी लगाया है भाजपा के, जो हमसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस के एक नेता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने कोई उनसे सौदेबाजी कर ली थी। जी, अब मैं नहीं समझता कि किस भाषा से ऐसी बात कही जा रही है। सेनानी तो सबके हैं जी। और चूंकि मेरे पिताजी सेनानी थे और सेनानी होने के साथ साथ कांग्रेस के लीडर रहे, इसलिए हर वर्ष जो उनके याद में हम एक कार्यक्रम करते हैं जहां उनकी मूर्ति लगी है रुद्रपुर चौराहे पे, तो हम पिछले उनके मरने के साथ से करते आ रहे हैं, और हमने उसको कभी पार्टी के खांचों में नहीं बांटा। जो भी सरकार में हो, सरकार के मुख्यमंत्री हों, गवर्नर हों, या कोई वरिष्ठ मंत्री हों, या कोई वरिष्ठ अधिकारी हों, उनको हम उस कार्यक्रम में बुलाते रहे, और उस कार्यक्रम को हम विशुद्ध रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र और पौत्र जो उनके आश्रित हैं उस बैनर से करते हैं। जब पिताजी का जन्म शताब्दी मनाया जा रहा था 2015 में, तो हरीश रावत जी को हमने एज चीफ मिनिस्टर बुलाया था जी। मैं भाजपा का विधायक था, लेकिन वो भाजपा कांग्रेस कार्यक्रम था, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया और वो चीफ गेस्ट के रूप में आया। और वहाँ जब सेनानी परिवारों ने उसे आग्रह किया कि तराई बसाने वाले पंडित रामस्मर शुक्ल जी की प्रतिमा तो लगा दी तिवारी जी ने, लेकिन एक संस्था उनके नाम पर होनी चाहिए, तो हरीश रावत जी ने उदारता का परिचय देते हुए उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का नाम घोषित कर दिया। इसमें कोई सौदेबाजी या सांठगांठ नहीं थी। अगर सौदेबाजी सांठगांठ होती तो हरीश रावत जी मुझसे लड़ने नहीं आते उसके बाद, और मैं उनको पराजित नहीं करता। अगर मेरी सांठगांठ होती मैं उनसे हार जाता, या मैं लड़ता ही नहीं, तो या वही मुझसे लड़ने नहीं आते। तो ये सब ये अनर्गल बातें, और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद हैं वो सबके हैं, वो जातियों, धर्मों और पार्टियों में नहीं बांटे जा सकते। अच्छा शुक्ला जी, एक चीज़ और मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूँ, जब मैं पहाड़ में जाता हूँ कभी, तो वो तराई या मैदान के नेताओं को उतना लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जब मैं गढ़वाल में जाता हूँ या कुमाऊँ के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कहीं जाता हूँ, तो वहाँ अच्छी तादाद में लोग आपको जानते हैं, लोग मतलब आपके पिताजी का नाम जानते हैं,
तो अभी भी क्या आप लोग संपर्क आपका वहाँ रहता है? देखिए क्या है कि एक तो मैं जब विधानसभा में प्रश्न लगाता हूँ और जब मैं विधानसभा में बोलता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के ही तक सीमित नहीं रहता जी, क्योंकि हम लोग पूरी उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य हैं जी, चुनकर हम कहीं से भी आएँ तो हमको प्रदेश के इशूज़ को उठाना चाहिए वहाँ जी। तो कई बार मैं पहाड़ों के दुर्गम परिस्थितियों के इशूज़ को उठाता हूँ, उससे मेरा नाम पहुँचता है। कई बार चूँकि मुख्यमंत्री जी को हराया तो उस समय मुख्यमंत्री को हराने का श्रेय मिला, इससे भी कुछ नाम मेरा लोगों तक पहुंच गया जी। और ये बात सच है कि मेरे पिताजी का नाम तो उस समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के साथ उन्होंने उत्तराखंड और तत्कालीन जो उस समय का जो कुमाऊँ गढ़वाल था इसमें बहुत सेवाएँ दी, बहुत काम किया और किसानों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत काम किया। और देश की आज़ादी के बाद यहाँ एक नक्सलाइट मूवमेंट था, उस नक्सलाइट मूवमेंट में जिन लोगों को भारत सरकार बसाना है चाहती थी उत्तर प्रदेश सरकार, उनकी जगह कुछ और लोगों ने कब्जे कर लिए थे। तो मेरे पिताजी ने संपूर्णानंद जी तब मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में यहाँ उन गरीबों का हक दिलाया और उस समय के नक्सलाइट लोगों ने मेरे पिताजी गोली मार दी थी जी जी, लेकिन वो सरकार ने प्रयास करके उनको बचा लिया था जी। तो तब से उनका नाम था जी। तो उस नाते से भी लोग मुझे स्नेह करते हैं, पहाड़ों पर भी स्नेह करते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से मिला था पहाड़ पर, उन्होंने कहा कि हम कई बार कोई बीमार जैसे रुद्रपुर में रहने वाले परिवार का आदमी है तो आपसे अगर संपर्क करते हैं तो आप उन्हें वैसे भी मदद करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, कोई लोग यहाँ आ जाते हैं, कई बार पहाड़ के क्षेत्रों से भी लोग ऐसे आते हैं। एक बार एक ऐसा केस था जो मुझे ऐसा मिल गया था जिसमें बहुत पिथौरागढ़ के थे, बहुत दिक्कत में थे, यहाँ वो आए थे, फिर मैंने अपने संसाधनों से उनको अपनी एम्बुलेंस से उनको दिल्ली पहुंचवाया, गंगाराम में मैं सारी व्यवस्था की। उन पर पैसे नहीं थे, उनका कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होना था, वो फिर मैंने हंस फाउंडेशन वालों से संपर्क किया जी, जी, जी। उन्हें दिलाया। तो जब हम लोग इसके लिए काम करते हैं फिर हम ये नहीं देखते ये मेरा वोट है मेरा वोट नहीं है या ये कहाँ का है, हम पूरी मानवता के लिए काम करना चाहिए और करते हैं जी, जी। और हमारी पार्टी के हमारे नेता का भी नारा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। गोला पर एक बड़ा पुल आपने बनवाया जी, वो किस तरह से संभव हुआ? वो इसलिए संभव हो पाया कि पिछली सरकार में घोषणा की थी हरीश रावत जी ने, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाए थे जी। पहले बड़ा पुल कहा, बड़ा पुल करने के बाद उसको फिर वो रपटा पुल में कन्वर्ट कर दिया, फिर रपटा पुल भी जो स्वीकृत किया तो आधा बना करके उसे छोड़ के भाग गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी संस्था को काम दे दिया गया था जो उत्तर प्रदेश ने जिसको ब्लैकलिस्ट कर रखा था जी। तो जब अपनी सरकार आई तो हमने इस मुद्दे को उठाया, उसमें जाँच हुई, उसमें मुकदमा कायम हुआ, वो लोग जेल भी गए। और फिर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि ये रपटा पुल यहाँ पर नहीं चल पाएगा, हमें बड़ा पुल चाहिए। मुख्यमंत्री जी को किच्छा आमंत्रित किया 19 दिसंबर 2018 को जी। और उनकी जो हमने 16-17 घोषणाएं उन्होंने मेरे क्षेत्र की लिखी उनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा वो भी की जी। और भगवान की दया से फिर उसमें पैसा भी आया और उससे काम हो रहा। अच्छा, किच्छा में जो पहले नहर से गंदगी होती थी और बदबू भी फैलती थी, लोग परेशान रहते थे, वहाँ पर भी कहते हैं कि आपके प्रयासों से सड़क अब तैयार हुई जी। लेफ्ट पहाड़ नहर जो किच्छा शहर के बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें चीनी मिल और चीनी मिल के आगे जा कर के फिर वो कुरैशी मोहल्ले से गुजरती है जहाँ कसाई मोहल्ला है, वहाँ उसमें कुछ मांस वांस और कुछ खून गंदगी मिलती है और उस बरसों से सड़ रही थी, उसमें बहुत बदबू फैल रही थी। और दुर्भाग्य से वो नहर उत्तर प्रदेश के खाते में थी इसलिए उसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से उसमें NOC ली और अपने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई कि इस नहर के अगल बगल जो सड़क चल रही है उस नहर को कवर करके एक सड़क हम बना दें ताकि नीचे से नहर चले और ऊपर से सड़क चले। तो एक वैकल्पिक रास्ता भी लोगों को मिला और साथ ही साथ उसकी गंदगी उसकी बदबू से शहर को निजात मिलने का काम होगा, उसमें पैसा मंजूर हो गया, प्रथम चरण का पैसा आ गया, काम शुरू हो गया जी। अच्छा सर, हमने एक चीज़ और हमें अभी हाल ही में पता चला कि आप एक मॉडर्न डिग्री कॉलेज बनवा रहे हैं, और किस तरह से आपके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा मॉडर्न डिग्री कॉलेज होना चाहिए? अदरवाइज पहाड़ में देखिए, आप तराई में देखिए, मैदान में देखिए, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं या दूसरी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। मतलब BA लोग कर लेते हैं, MA कर लेते हैं लेकिन वो नौकरी के लायक नहीं रहते हैं। ये मॉडर्न डिग्री कॉलेज वाली जो बात है इसमें कुछ उसके पीछे दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये था कि चूंकि मेरा किच्छा एक इंटीरियर क्षेत्र है जी, 12-15 इंटर कॉलेज आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और किच्छा में हैं जिनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं थी जी। एक तो हम चाहते थे वहाँ डिग्री कॉलेज बने जी, उसकी घोषणा भी पिछली सरकार से कराई थी लेकिन वो हरीश रावत जी ने जितनी घोषणाएं मेरे यहाँ की एक भी पूरी नहीं की थी, तो वो नहीं हो पाई थी पूरी। तो जब अपनी सरकार आई तो मैंने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई, उसी बीच मुझे पता चला कि भारत सरकार जो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें एक एक मॉडल डिग्री कॉलेज दे रही है। तो फिर मैंने भारत सरकार में जाकर संपर्क किया, जावड़ेकर साहब उस समय मिनिस्टर थे भारत सरकार में मानव संसाधन के जी, और मुझे किच्छा लाने में कामयाब हुआ। और उसकी खासियत ये होगी कि उसमें जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ साथ जैसे BA
बीकॉम या बीएससी के साथ साथ जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन जिसमें है, वो कोर्सेज वहाँ पढ़े। जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री का काम है तो लॉजिस्टिक एमबीए उसमें होगा। ऐसे और कई चीज़ें हम उसमें कर रहे हैं जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई की डिग्री लेने के बाद तत्काल जॉब मिले, तत्काल काम मिले। और चूँकि हमारा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में विकसित हुआ है, हमारा उधम सिंह नगर सितारगंज में सिटकुल है, यहाँ हमारे पंतनगर मेरी विधानसभा में रुद्रपुर में सिटकुल है, काशीपुर में है, अभी हम अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी ला रहे हैं। तो उसके दृष्टिकोण से भी हम उनको टेक्निकल और जॉब ओरिएंटेड और प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ा करके ऐसा करें कि उनको तत्काल जॉब मिले, ये हमारा प्रयास है जी। अच्छा सुना जी, एक चीज़ और, मैं कल परसों कुछ नेताओं से आपके तराई भावर क्षेत्र में मिला, तो यहाँ पर अभी जो चूँकि अगले साल चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है, तो कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उनमें से एक आपके मित्र थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा कि भाई शुक्ला जी को क्या दिक्कत है, कुछ उनके पिताजी का नाम है और कुछ बीजेपी का है और कुछ उनका अपना है, तो सीट जो है जिन लोगों की यहाँ पर सुरक्षित मानी जा रही है उनमें से एक आपका भी है, तो इसमें क्या पिताजी के नाम का हम मान के चलेंगे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का तो कोई भविष्य मुझे अभी उत्तराखंड में नज़र नहीं आता। लोकतंत्र में सभी को अपना दल बनाने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर आम आदमी पार्टी भी कोशिश कर रही है तो उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई गलत नहीं कह सकते जी। बट मुझे लगता है कि दिल्ली की उत्तराखंड की परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं जी। और अभी मैं जब धरातल पर घूमता हूँ तो मुझे आम आदमी का कोई भविष्य यहाँ फिलहाल नज़र नहीं आता। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मैं 2006 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और तब से मैं लगातार 3 चुनाव लड़ चुका हूँ। पहला चुनाव में हारा भी, फिर मैं 12 में जीता, 17 में जीता, और मेरी पार्टी का विश्वास मुझ पर बहुत अच्छा है, जनता मुझे फेथ कर रही है और मैंने काम भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चिंता करनी चाहिए अपने भविष्य की कि मेरा क्या होगा। और जहाँ तक मेरे पूज्य पिताजी की बात है, तो निश्चित रूप से उनका जो वेदांग चरित्र था, जो उनका एक स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद और तराई के बसाने के काम में जिस तरीके से उन्होंने गरीब गुरबा और आम आदमी के लिए काम किया, आज जो हम तराई का विकसित स्वरूप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। उन्होंने भविष्य का एक सपना, एक रोड मैप तैयार किया था, उसी पर तराई विकसित हो रही, तो इसका निश्चित रूप से मुझे लाभ मिलता है। थैंक यू शुक्ला जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपका धन्यवाद बहुत बहुत जी।